हेलो एंड वेलकम बैक किशोर इंग्लिश टीचिंग सेंटर त्रिवेणीगंज सुपौल। आज हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि एक गार्निश येलो, गार्निश मीन्स होता है सुंदर, एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास में हम लोगों के पास से एक येलो रंग की चमकीली कार गुजरी, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न। ब्लेरिंग मीन्स होता है शोर करना या आवाज करना, इट्स हॉर्न यानी अपने हॉर्न का तेज आवाज करते हुए, इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट। इंटरप्टेड मीन्स हुआ कि जैसे लगता था कि उनका हॉर्न का आवाज जो रुक ही नहीं रहा है, पूरा ब्लास्ट कर रहा है। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेब्ड हिज हैंड एट मी, और उस कार में एक युवा था जो वेब्ड किया, लहराया हिज हैंड अपना हाथ एट मी मेरे ओर, यानी लेखक को पहचानते थे उस कार को चलाने वाला युवा, और इसीलिए उसने क्या किया, हाथ हिलाया बाएं की जैसा किया। What are you man? Who was that? अब नानू काका asked, नानू काका ने पूछा लेखक से, Who was that? कौन था वो? What are you man? कितना rude आदमी था, rude means असभ्य आदमी था, कितना तुक्ष आदमी था, इतना स्पीड में गाड़ी चलाया। Chap called Ratiram works in the same ministry as mine. कहते कि चैप था वो, रतिराम भी कहलाता हुआ, मतलब रतिराम उसके पिताजी का टाइटल होगा इसीलिए उसको भी कहा जाता है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री, लेखक कहते हैं कि वह काम करता इन द सेम मिनिस्ट्री, उसी मंत्रालय में, एज माइन जिसमें मैं काम करता हूँ। आई सी, कहते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। देर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। अब जो है देर वॉज सम टॉक, कुछ बातचीत होने लगी अबाउट हिज गोइंग, किस प्रकार से वह चेप नाम का जो चेप रतिराम जो था वह किस प्रकार से गया, कहा था ट्रेड कमिश्नर किस प्रकार से बना था, व्यापार विभाग का किस प्रकार से कोई कार्य उनको मिल गया था, टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के घर पर। यू नो, आप जानते हैं, द एम्बेसडर, वह जो है राजदूत है, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई हैड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। और लेखक कहते हैं कि I said just to make conversation, यानी वहाँ पर जो है ट्रेड विभाग का जो हजरत बरकत अली के पास जो वह जाने वाला था, वहाँ पर सिर्फ उसको कन्वर्सेशन करना था, यानी कुछ कहिए कि व्यापार संबंधी कुछ बातें, खाली डीलिंग करना इसको था। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments, नानू काका आस्क्ड, नानू काका लेखक से पूछते हैं, Why don't you get sent, तुम भी क्यों नहीं चले जाते हो, on one of these foreign assignments, इसी प्रकार से कोई जो है असाइनमेंट में होता कार्य की जिम्मेवारी, तो तुम भी क्यों नहीं इसी प्रकार से किसी कार्य के लिए विदेश विभाग में कोई कार्य पर लग जाते हो। टू गेट सेंट, अब लेखक बोलते टू गेट सेंट, वहां पहुंचने के लिए उन्हें फॉरेन असाइनमेंट, असाइनमेंट मीन्स होता कार्य की जिम्मेवारी, यानी लेखक कहते हैं कि कोई भी विदेश विभाग संबंधी कार्य में नौकरी लगना इज द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आता है एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद ए मिनिस्टर अंकल, मामा जी, अंकल मीन्स या मामा जी, जिस प्रकार से आपको मंत्री से का इंटरव्यू लेना आपके लिए बहुत कठिन पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात हो रही है, उसी प्रकार से किसी भी विदेश विभाग में कहीं भी नौकरी लग जाना भी उससे बड़ी ही बात है। आई सेड समवाट अनकाइंडली, इट टैक्स पूल, अब मेरे कहने का मतलब है, लेखक कहते हैं इट टैक्स पूल, इसमें जो है पूल का जरूरत पड़ता है, इसमें पैरवी का जरूरी पड़ता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, आप जानते हैं वो चेप जो रतिराम था वो कौन है, वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आप जानते हैं उनके पिताजी जो सोहनलाल रतिराम है वो पार्टी बॉस है दिल्ली में, यानी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है, किसी पार्टी के बॉस है। नानू काका सेट बैक, नानू काका बैठे विथ ए जर्क, झटका देकर, जर्क मीन्स होता जोर से उथल पथल के साथ, यानी झटका, सीट पर झटका देकर बैठे। व्हाट वाज दैट, क्या
व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहन लाल दत्तराम सन, यह सोहन लाल दत्तराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना विशिष्ट है, कितना अच्छा है, कितना होनहार है। वेल वेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ही लिंड बैक इन हिज सीट, और वह लिंड यानी चिपक के गई हिज सीट, अपने सीट पर पीछे चिपक कर बैठ गए नानू काका। एंड स्टार्टेड एट स्टेड एट मी, और मेरे और बहुत देर तक देखने लगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। नाउ लेट मी सी, और अब नानू काका कहते कि नाउ लेट मी सी, अब मुझको उसी से मिलाओ, यानी सोहन लाल रतिराम से एक बार मिलाओ। यू हैव गॉट ए क्लोज कूलर जोधपुर कोट, haven't you? कहते यू हैव गॉट अ क्लोज कूलर जोधपुर, तुमको छोटा कूलर वाला जोधपुरी कोट है ना, गुड। एंड यू एंड कैन यू ट्राई अ टर्बन, क्या तुम टर्बन यानी पगड़ी बांध सकते हो? नो वेल आई शैल हैव टू पुट इट ऑन यू, जब वो कहता है कि नहीं, नो यानी लेखक कहते कि नहीं मुझे नहीं आता है, तो नानू काका कहते हैं कि वेल ठीक है, आई शैल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुमको पगड़ी बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम एन एक्सपर्ट, आई एम नो एक्सपर्ट, चूंकि यद्यपि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है पगड़ी बांधने के संबंध में। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, अब नानू काका कहते हैं यह कॉलर का जो बिजनेस है, टाई और कॉलर का जो बिजनेस है यानी टाई कॉलर इत्यादि लगाना, यह आजकल गुड नहीं है, आजकल इसकी कोई पूछताछ नहीं है। लेट अस गो होम, अब हम लोग घर चले। आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम कपड़ा बदल लोगे, नानू काका कहते हैं अब चलो घर, और जब तुम कपड़ा बदल लोगे, वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग जाएंगे और उससे मिलेंगे, यानी सोहन लाल रतिराम से हमको मिलाना। सी हुम, अब लेखक आश्चर्य भरी आवाज में कहते कि सी हूँ, किन से मिलिएगा मामा जी? फिर क्यों? लाला सोहन लाल, लाला सोहन लाल से मिलेंगे ऑफ कोर्स अवश्य। डू यू नो हिम एट ऑल, अब लेखक कहते हैं कि क्या आप डू यू नो हिम, क्या आप जानते हैं एट ऑल, उसको थोड़ा भी जानते हैं क्या? ऑफ कोर्स नोट, अब लेखक कहते कि एकदम नहीं जानते हैं। नानू काका सेड, नानू काका बोलते हैं आई चेंज इन टू जोधपुर कोट, अब लेखक करते क्या, उनको जैसा कहा गया वैसा कर लिए। तो लेखक कहते हैं कि घर पहुंचने के बाद आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुरी कोट पहना। एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, और एंड अंकल नानू काका और मामा जी जो मेरे नानू काका जी हैं वो टाइड बांध दिए अ ह्यूज ऑरेंज, ए ह्यूज मीन्स बड़ा सा ऑरेंज नारंगी रंग का टर्बन, पगड़ी बांध दिए राउंड माई हेड, मेरे सिर पर बांध दिए। एक्ट एज दो You wear my ER, a sort of ADC, यानी उसको उसको लेखक को नानू काका ने बता दिया कि act as दो, तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है। You wear my ER, तुम जो है मेरा क्लर्क हो, ऐसा तुमको व्यवहार करना है। A sort of ADC, additional division क्लर्क होता है, ADC means यानी तुमको क्लर्क के जैसा, एक मेरा कर्मचारी, मेरे कर्मचारी के जैसा वहाँ व्यवहार करना है। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, जैसे ही मैंने लाला सोहन लाल के घर के ओर चला, तो उसने यानी नानू काका ने, मेरे मामा जी ने मुझे रास्ते में ढेर सारा बात समझाते हुए गए। एज ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस, जब नानू काका वहां पहुंचे उनके यहाँ यानी सोहन लाल रतिराम के यहाँ, अ सेक्रेटरी, सोहन लाल रतिराम का जो एक सेक्रेटरी था, कर्मचारी था, इन स्पॉटलेस, स्पॉट में सुधा धब्बा, स्पॉटलेस जो बिना धब्बा वाला व्हाइट क्लोथ पहना हुआ था, उजले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। रिसीव्ड अस, हम लोगों को रिसीव किया। एंड शोड अस, हम लोगों को दिखाया। इनटू अ कूल व्हाइट रूम, एक ठंडा रूम दिखाया, एक ठंडा रूम में हम लोग को बैठाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, बिफोर पहले ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारा कार्य पूछने से पहले, यानी उनका जो एक कर्मचारी था
जो उजला शर्ट में था उसने मुझे हम लोगों से बिना काम पूछे हुए हम लोगों को एक ठंडा सा रूम में बैठाया वेरी पोलाइटली, बड़ा ही पोलाइटली मीन्स होता है कि बड़ा ही विनम्रता पूर्वक पूछा, जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू काका सेड कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू काका सेड कैजुअली। नानू काका बीच में कहिए कि ऐसे ही बोल पड़े, नानू काका बिना पूछे ही ऐसे ही बोल पड़े उनको सुनाने के लिए, आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, जमींदारों का जो सम्मेलन था उसी में भाग लेने के लिए आया था, और अदर अनऑफिशियल गैदरिंग, चूंकि हम लोग का जो जमींदारी जमींदारों का जो बैठक था वो कोई ऑफिशियल कार्य था नहीं, यू नो आप जानते हैं, सिंस वी जमींदार, आजकल हम जमींदार लोग जो हैं आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आजकल हम लोग कोई वैल्यू नहीं है, बीपी हैज ऑल्सो सेंट मी केवल, बीपी ने भी मुझे केबल भेजा है, पत्र भेजा है, ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता है, बट ही बीपी भी कोई बड़ा पोस्ट पर आ है उसके बारे में, जबकि उससे भी नानू काका बीपी को नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसको सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस है और इसको इम्प्रेस करना, तो उनको सुनाने के लिए लेखक ऐसा करते हैं कि बीपी भी हमको बार बार क्या करता है, तो पत्र लिखता है, हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, उसने भी पत्र लिखा है, ही कॉल्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन, लेकिन अभी वह वाशिंगटन से आ नहीं रहा अंटिल टुमोरो, क्योंकि कल तक ही हम यहाँ रहेंगे और कल तक में वो वाशिंगटन से आ नहीं रहा है, इसीलिए मेरे से शायद उनकी भेंट नहीं हो पाए। तो टुमोरो आई थाउट, मैंने सोचा आई माइट एज वेल वी सी लाला जी, हमने सोचा कि लाला जी एंड टेल मी व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स, मैंने सोचा कि यहाँ आए और लाला जी से भेंट कर ले और लाला जी से यह पूछ ले कि हम जमींदारों के लिए वो क्या किए हैं, जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड, क्योंकि हम लोग भी खेती करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो उनको वोट करते हैं। नानू काका शॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड, अच्छा चलिए 37 से अपना सब अगला दिन पढ़ेंगे, थैंक्स।